हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर और इजी डिज़ाइन, जिसे आप लेडीज़, गर्ल्स, जेंट्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। 20 सिलाइयों का डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन के लिए हमें 16 के मल्टीपल प्लस एक फंदा चाहिए। मैंने इस सिलाई में 33 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारे के लिए, टोटल 35 फंदे डाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। एक नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 3 फंदे सीधे बुने, 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, 4 फंदे सीधे बुने, 4 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमने ये 3 फंदों का एक बनाना है। तो 3 का एक बनाने के लिए पहले हम ये 2 फंदों को ऐसे उतार लेंगे, उतार कर पलट कर सिलाई पर लेकर जाएंगे और पीछे से बुनते हुए 3 फंदों का एक बुनें। ऐसे 3 का एक बनाने के बाद 4 फंदे सीधे बुने, 4 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे बुने। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फंदों का ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 3 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 4 फंदे सीधे बुने, 4 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर 3 फंदों का एक बनाना है। पहले ये 2 फंदों को ऐसे पलटें, पलट कर सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 3 का एक बनाएं। ऐसे 3 का एक बनाने के बाद 4 फंदे सीधे बुनें, 4 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे बुनें। ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस वाला और किनारी वाला फंदा दोनों सीधे बुनें। दो नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें और सारे फंदे उल्टे बुनें। लास्ट तक हमने सभी फंदों को उल्टा बुनना। तीन नंबर सिलाई पहला फंदा उतारें, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे बुने, 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागे को आगे रखें, 3 फंदे सीधे बुने। जब हम धागे को आगे रखेंगे तो ये हमारी यहाँ जाली बन जाएगी। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद अब फिर हमने ये 3 फंदों का एक बनाना है। जैसे हमने पहले 3 का एक बनाया था, सेम वैसे ही पहले 2 फंदे उतारेंगे, उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएंगे और पीछे से बुनते हुए 3 का एक बन। ऐसे 3 का एक बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बुने, 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा पीछे ही रखें। जब हम धागा पीछे ही रखेंगे उसके बाद जो अगले फंदे हम उल्टे बुनेंगे तो यहाँ जाली बन जाएगी, तो हम अगले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये हमारा 16 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 4 फंदे उल्टे बुने,
धागे को आगे ही रखें, तीन फंदे सीधे बुने, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद तीन फंदों का एक बनाएं, तीन का एक बनाने के बाद तीन फंदे सीधे बुने, धागे को पीछे ही रखें, तीन फंदे उल्टे बुने। तो ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस वाला फंदा भी उल्टा बुने, धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा। चार नंबर सिलाई, पहला फंदा उतारें, धागा पीछे, चार फंदे सीधे बुने, धागा आगे, नौ फंदे उल्टे बुने, नौ फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुने। तो ये हमारा 16 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। चार फंदे सीधे बुने, धागा आगे, नौ फंदे उल्टे बुने, नौ फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुने। ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस वाला फंदा सीधा बुने, धागा आगे, किनारी वाला फंदा उल्टा बुने। पांच नंबर सिलाई, पहला फंदा उतारें, पांच फंदे सीधे बुने, पांच फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुने, दो फंदे सीधे बुनने के बाद पहले की तरह ही तीन फंदों का एक बनाएं, तीन का एक बनाने के बाद दो फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, चार फंदे सीधे बुने। तो ये हमारा 16 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे इसी पैटर्न को रिपीट करें। पांच फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुने, फिर तीन का एक बनाएं, तीन का एक बनाने के बाद दो फंदे सीधे बुने, फिर धागा घुमाएं, चार फंदे सीधे बुने। ये हमारा दूसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस वाला और किनारी वाला फंदा सीधा बुने। छह नंबर सिलाई, पहला फंदा उतारें और सभी फंदे उल्टे बुने। लास्ट तक सभी फंदों को हमने उल्टा बुनना है। सात नंबर सिलाई, पहला फंदा उतारें, छह फंदे सीधे बुने, छह फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, एक फंदा सीधा बुनने के बाद पहले की तरह ही तीन फंदों का एक बनाएं, तीन का एक बनाने के बाद एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, पांच फंदे सीधे बुने, तो ये हमारा 16 फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। छह फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने,
फिर तीन का एक बनाएं, तीन का एक बनाने के बाद एक फंदा सीधा बुनें, धागा घुमाएं, पांच फंदे सीधे बुनें, तो ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस वाला और किनारी वाला फंदा सीधा बुनें। आठ नंबर सिलाई में पहले की तरह ही पहला फंदा उतारें और सभी फंदों को उल्टा बुनें। नौ नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, सात फंदे सीधे बुनें, सात फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, तीन फंदों का एक बनाएं, तीन का एक बनाने के बाद फिर धागा घुमाएं, छह फंदे सीधे बुनें, तो ये हमारा 16 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है, सात फंदे सीधे बुनें, धागा घुमाएं, तीन फंदों का एक बनाएं, तीन का एक बनाने के बाद फिर धागा घुमाएं, छह फंदे सीधे बुनें, छह फंदे सीधे बुनने के बाद ये हमारा दूसरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस वाला और किनारी वाला फंदा सीधा बुनें। दस नंबर सिलाई पहले की तरह ही पहला फंदा उतारें और सभी फंदे उल्टे बुनें। ये दस सिलाइयां कंप्लीट होने के बाद अब हमने ये डिज़ाइन की जगह को चेंज करना है। अगली दस सिलाइयों में हम डिज़ाइन की जगह चेंज करके बुनेंगे, तो देखिए कैसे बुनना है। 11 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, पहले दो फंदों को ऐसे उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए दो का एक बनें। दो का एक बनाने के बाद चार फंदे सीधे बुनें, चार फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, पांच फंदे सीधे बुनें, पांच फंदे सीधे बुनने के बाद फिर धागा घुमाएं, चार फंदे सीधे बुनें, तो ये हमारे यहाँ तक 16 फंदे हो गए। इसके बाद हमने जो ये हमारा एक प्लस वाला फंदा होता है उसके हिसाब से हमने यहाँ एक फंदा घटाना है, तो एक फंदा हमने इधर से घटाना है और एक फंदा दूसरे पैटर्न से, तो हम यहाँ ये तीन फंदों का एक बना देंगे। एक फंदा हम पहले पैटर्न का घटाएंगे और एक फंदा दूसरे पैटर्न का, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है 16 प्लस एक का है, तो 16 फंदे ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने जो ये प्लस वाला फंदा है उससे डिज़ाइन को कंप्लीट करना है, तो हम एक फंदा इधर से घटाएंगे और एक फंदा दूसरे पैटर्न का, तो ये हम यहाँ तीन फंदों का एक बना देंगे। ये तीन का एक बनाने के बाद अब चार फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, पांच फंदे सीधे बुने, फिर धागा घुमाएं, चार फंदे सीधे बुने, तो ये हमारा दूसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बने, दो का एक बनाने के बाद एक फंदा सीधा बुने। तो 12 नंबर सिलाई पहला फंदा उतारें और सभी फंदे
उल्टे बने। तेरह नंबर सिलाई, पहला फंदा उतारें, पहले की तरह ही दो फंदों को उतारें, उतार कर पीछे से बुनते हुए दो का एक बनाएं, दो का एक बनाने के बाद तीन फंदे सीधे बुनें, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद धागे को पीछे ही रखें। जब हम धागे को पीछे रखेंगे तो यहाँ जाली बन जाएगी क्योंकि अगले फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, तो हम धागे को पीछे रखेंगे और सात फंदे उल्टे बुनेंगे। ये सात फंदे उल्टे बुनने के बाद हम धागा आगे ही रखेंगे और अगले तीन फंदे सीधे बुनेंगे। ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हम पहले की तरह ही एक फंदा पहले पैटर्न का और एक फंदा दूसरे पैटर्न का, दोनों को मिलाकर यहाँ तीन फंदों का एक बनाएं। तीन का एक बनाने के बाद फिर वही पैटर्न, तीन फंदे सीधे बुने, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद धागे को पीछे ही रखें, सात फंदे उल्टे बुने, फिर धागे को आगे ही रखें, तीन फंदे सीधे बुने। तीन फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बने और किनारी वाला फंदा सीधा बुने। चौदह नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, पांच फंदे उल्टे बुने, पांच फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, सात फंदे सीधे बुने, ये सात फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, चार फंदे उल्टे बुने, तो ये हमारा 16 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे इसी पैटर्न को रिपीट करें, पांच फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, सात फंदे सीधे बुने, धागा आगे, चार फंदे उल्टे बुने। तो ये हमारा दूसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस वाला और किनारी वाला फंदा दोनों उल्टे बुने। पंद्रह नंबर सिलाई, पहला फंदा उतारें, दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं, दो का एक बनाने के बाद दो फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, नौ फंदे सीधे बुने, नौ फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुने। तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर तीन फंदों का एक बनाएं, तीन का एक बनाने के बाद दो फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, नौ फंदे सीधे बुने, नौ फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुने। तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बने और किनारी वाला फंदा भी सीधा बने। 16 नंबर सिलाई, पहला फंदा उतारें और सभी फंदे उल्टे बने। 17 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, दो फंदों को उतार कर
दो का एक बनाएं, दो का एक बनाने के बाद एक फंदा सीधा बुनें, धागा घुमाएं, 11 फंदे सीधे बुनें, 11 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा। तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर आगे 3 फंदों का एक बनाएं, तीन का एक बनाने के बाद फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें, एक फंदा सीधा बुनें, धागा घुमाएं, 11 फंदे सीधे बुनें, 11 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुनें और फिर दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बुनें और किनारी वाला फंदा सीधा बुनें। 18 नंबर सिलाई, पहला फंदा उतारें और सभी फंदे उल्टे बुनें। उन्नीस नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, दो फंदों को उतार कर पीछे से बुनते हुए दो का एक बनाएं, दो का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं, 13 फंदे सीधे बुनें, 13 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं और 3 फंदों का एक बनाएं। 3 का एक बनाने के बाद फिर धागा घुमाएं, 13 फंदे सीधे बुनें, 13 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं, किनारी वाला फंदा सीधा बुनें। 20 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें और सभी फंदे उल्टे बुनें। 20 सिलाइयां रिपीट करनी हैं और हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।